So, hey guys, finally, अब हम आ चुके हैं हमारे नए दिन के साथ, नए शुरुआत के साथ, नए ब्लॉग के साथ। तो सबसे पहले हैप्पी बिलेटेड न्यू ईयर। मैं समझ सकता हूँ न्यू ईयर के दिन कुछ नया ब्लॉग नहीं आया, आप लोग बहुत सैड हो गए, पर कोई बात नहीं। आज हम लोग कुछ ऐसे ही स्पेशल जगह पर जाने वाले हैं जो कि कुछ ज़्यादा ही रोमांचक से भरा हुआ है, और मैं अकेला नहीं हूँ, हमारे भाई लोग, भैया लोग, सब लोग ग्रुप में जा रहे हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं, देखते हैं कहाँ पर क्या क्या स्पेशल चीज होता है उस नई इंटरेस्टिंग जगह पर। गाइस हम लोग मैजेस्टिक पहुंच चुके हैं, वो भी अपने भाई लोग के साथ। यो गाइस चिल। तो अभी हम लोग बहुत ही स्पेशल और सरप्राइज जगह पे जाने वाले हैं। वीडियो में आगे देखते रहिए, पता चल जाएगा कि अभी हम लोग कहां जाने वाले हैं। आइए हम लोग के हमारे पप्पा भैया से पूछते हैं कि उनको एक्सपीरियंस कैसा लगा डेढ़ घंटे सफर करते हुए। बहुत ही भैया था, मेरे को खतरनाक नींद आ रही थी, कसम से बता रहा हूँ। 2 मिनट के लिए मेरे कंधे पे सो गए थे, मैं थप्पड़ मार के उठाया, कंधे पे नहीं सोए थे, मैंने अपने खुद का ऐसे करके एकदम सिकुड़ के सो रहा था। अच्छा तो गाइस ये है हम लोग के, ये हमारे ओम भाई, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय भाई, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो कैसा लगा डेढ़ घंटे का सफर? बड़ा कठिन सफर था, जैसा बताया आपको कैसे ना कैसे। नहीं नहीं, ज़बान से बताइए, कुछ और नहीं चाहिए। अच्छा कुछ और चाहिए? नहीं नहीं, कुछ और नहीं चाहिए, ज़बान चाहिए, बस ज़बान चाहिए, ज़बान से बताइए। सफर अच्छा था, फैसिलिटी भी पूरा अच्छा है, BMTC का आप आके ट्राई कर सकते हैं। अच्छा अच्छा, गाड़ी का नंबर क्या है बता सकते हैं? गाड़ी का नंबर 290EY है, जो आपको डायरेक्ट मैजिस्ट्रेट। ठीक है, तो हमारे निखिल भैया क्या बात है, हमारे निखिल भाई से पूछते हैं उनको कैसा लगा। अच्छा था। अच्छा था क्या? अच्छा था सफर? अच्छा था। अच्छा सफर अच्छा था। और क्या बताना चाहोगे? कुछ नहीं तो रहने दो फिर।